क्या कुछ पूरा मामला है ईडी को लेकर के दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ उस दौरान? देखिए, एक तो ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं कुछ गलतफहमी होगी गुर्जर समाज के बारे में, मेरे पिता स्वर्गीय राव अभय सिंह और मेरा भी और मेरे बेटे का भी गुर्जर समाज से कोई आज का रिश्ता नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वज जो हैं भगवान कृष्ण से भी हमारा भाईचारा रहा है। एक सब इंस्पेक्टर ने मेरे साथ बदसलूकी की थी वहाँ मानसिंह रोड पे, तो मैंने उसको, क्योंकि उसने यदुवंशों के बारे में और भगवान कृष्ण के बारे में टिप्पणी की थी, तो मुझे इस बात से थोड़ा सा क्रोध आ गया। मैंने कोई बात कह दी तो कोई भी गुर्जर समाज के खिलाफ बात नहीं थी, वो व्यक्ति विशेष के खिलाफ थी। और मेरा ये मानना है कि गुर्जर समाज ने भगवान कृष्ण को पाला था और हमारा भाईचारा तो आज का थोड़ा ना कई वर्षों का है, तो मैं इस समाज का पूरा सम्मान करता हूँ। और अगर मैंने गुस्से में कोई अपनी कोई बात कह दी है, उन शब्दों को मैं वापस लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिन भाइयों को ठेस पहुँची है उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा गुस्सा केवल उस सब इंस्पेक्टर के ऊपर था जिसने 144 जो धारा है मेरे पर लागू नहीं होती, क्योंकि यह दो ही व्यक्ति थे, मैं और मेरा पीए था। 3 से ऊपर होते हैं तब 144 धारा लगती है, तो उसने अपने जो बड़े अफसर हैं उनको राजी करने के लिए मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरे साथ तो अपशब्द मुझे बोले, तो इस बात से मुझे क्रोध आ गया। जब क्रोध आता है तो व्यक्ति बोल देता है। आप तो अपने कार्यालय में ही जा रहे थे वहाँ? अपने कार्यालय में जा रहा था। देखिए, ऐसा है, ईडी का जो रोल है वो बहुत ही मतलब कि इस प्रकार की, राहुल गांधी जी को जिस तरीके से लोग 3 दिन हो गए इनको लगातार पूछते हुए, और सीबीआई का, ईडी का और इनकम टैक्स का, तमाम जितनी भी एजेंसियां हैं इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। एजीएल जो कंपनी है वो कोई इनकी जो नेशनल हेरल्ड है उनके जो अखबार के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको पैसा देने के लिए वो पैसे लोन पे लिए गए थे, 70 करोड़ तो उसको दे दिए, बाकी जो 20 करोड़ रुपये बचे थे और जो देनदारी थी और कोई लेन देन था और कुछ था उसमें दे दिया। तो कोई राहुल गांधी जी ने या सोनिया गांधी ने अपने घर में थोड़ी रखा है। लेकिन जो है 2005 में जो केस बंद हो गया था, 2015 ने दोबारा इन्होंने खोल दिया, तो इसमें सरकार की जो मंशा है केवल यही है कि राहुल गांधी जी जो है मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और ये बदले की भावना से कार्रवाई हो रही। इस बात को लेकर बहुत क्रोध है और हम जो है सोमवार को भी जो जिस तरीके से उनको दोबारा बुलाया है, 4th दफ़ा बुला रहे हैं, तो इसका भी हम कड़ा विरोध करें। सेना में भर्ती को लेकर युवाओं को काफ़ी हावला हो रहा है देश भर के अंदर। देखो, मैं खुद सेना में रहा हूँ। अब आप जानते हैं हमारे जो कर्मचारी हैं फोर्थ क्लास के, उनको ठेके पे लेते थे, उसका विरोध हो रहा है। फौज में जो व्यक्ति जाता है उसकी 1 साल ट्रेनिंग होती है कि 6 महीने ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद इनको बॉर्डर पे लगा देंगे, एयरफील्ड का इनको पता लग जाएगा, हमारे एम्युनिशन डिपो उनका पता लग जाएगा। ये कह रहे हैं कि हम केवल 4 साल के ले रहे हैं, उसमें से 25% लोगों को ही रखेंगे, 30,000 रुपये दे रहे हैं, कोई उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं देंगे, कोई कैंटीन की फैसिलिटी उनको नहीं देंगे, उनका भविष्य तो अंधकारमय हो जाएगा। अगर शादी कर लेंगे उनके बच्चे कैसे पलेंगे? अब ये कहते हैं कि हम पैरामिलिट्री फोर्सेज में लगा देंगे, इन्होंने ये भी कहा था कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, 3 साल में 6 करोड़ रोज़गार दे देने चाहिए। अभी प्रधानमंत्री ने कल बयान दिया कि हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, तो इनके कहने से बात थोड़ी ना होती है। क्या लगता है, क्या कुछ मंशा है सरकार की? सरकार की मंशा केवल ये है कि शॉर्ट टर्म 4 साल की नौकरी देके इनका जो है जो कैरियर है उसको बर्बाद करना चाहते हैं। जो हमारे छात्र हैं जिन उनमें रोष है, हमारे यहाँ जो फौज में लोग जाता है वो जान को हथेली पर रखता है और हर कुर्बानी के लिए तैयार रहता है। जितने भी हमारे हरियाणा है, पूरा यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, इवन आपके साउथ से भी आज इतने लोग अपने फौज में जा रहे हैं जो फौज को एक अपना फ़ख्र समझते हैं कि मैं एक फौज में सैनिक हूँ। तो उनके साथ जो ये जो ठेकेदारी प्रथा जो दे रहे हैं, कल को तो ये
एम्युनिशन डिपो और एयरफील्ड भी अडानी अंबानी को दे देंगे। जो ठेका प्रथा है इसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार जो है जिस तरह उन्होंने कृषि के काले कानून वापस लिए थे उसी प्रकार से इस जो युवाओं में गुस्सा आगजनी जो तमाम जगह हो रही है, क्या लगता है वो आगे और बढ़ेगी क्या? मैं ये कह रहा था कि इस जो इन्होंने चार साल के लिए जो इन्होंने अभी जो अग्निपथ जो ये योजना ली है इसको वापस ले लें। और युवाओं में तो क्रोश स्वाभाविक है क्योंकि उनका जो फ्यूचर है वो उसकी पता ही नहीं आगे क्या होगा। आगे उनको नौकरी 25% नौकरी मिलेगी, 75% जिसको शस्त्र चलाने आ जाएंगे, अगर वो बेरोजगार हो गया तो देश में कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो सरकार को जो भी कोई कदम लें पहले पूछ तो लें। एक आरोप ये भी है कि विपक्ष युवाओं को उकसा रहा है। नहीं आप बताइए, हमने तो आज तक किसी को उकसाया नहीं। कल मैं रेवाड़ी बताई नहीं, कल तो मैं फिर भी यहाँ अपने आप ही हुआ, विरोध हुआ जी। और आपके बिहार में हुआ, यूपी हुआ, पूरे देश में क्या सारे नेता कर रहे हैं क्या? तो कल भी होगा, परसों भी होगा। तो लोग जो आक्रोश है अपने आप, लोगों में फोन आ रहे हैं कि जी हम आ रहे हैं आपके पास, लोगों में रोष है। एक सर देश का मेन स्ट्रीम मीडिया इसके फायदे गिनाने में लगा हुआ है। देखिए ऐसा है, ये तो मैंने पहले भी आपको बोला था मैंने कि बदसलूकी अशोक गहलोत जी के साथ, मुख्यमंत्री के साथ हो रही है, बदसलूकी हमारे बघेल साहब जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, हमारे कार्यकर्ताओं को AICC के अंदर से घसीट कर बाहर ले आए, उनको पीटा, आज यहाँ तक कि पत्रकारों को पीटा है वहाँ। मेरा जो मीडिया के बड़े बड़े जो हमारे जो मालिक हैं उनके यहाँ ED की रेड पड़ रही है, उनके खिलाफ इनकम टैक्स के केस खोले हुए हैं, उनको डराया हुआ है। मेरा उनसे कहना है अपना डर निकाल दें वरना आप लोगों को गुलाम बना देंगे।